है हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जब आप भवन का निर्माण करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में चाहे वो अपना निजी है, उसमें इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भवन निर्माण के जो नॉर्म्स हैं नॉर्म्स के मुताबिक बनाए जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो बरसात में, जिसमें मकान बह जाता है, मिट्टी धस जाती है, ऐसी जगह अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतना सरल नहीं, कठिन काम है मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आने वाले समय में सभी जनमानस को आवश्यकता है। सर, पंचायत सचिवों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम सत्ता में आते ही पंचायती राज विभाग में उन लोगों को मर्ज करेंगे। वो तो आजकल रात को भी बोलते हैं, कमरे में कैमरा ऑन कर देते हैं और कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि लाखों लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं। तो उसका स्वभाव है, मैं उसके कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं। ये मानसिकता को दर्शाता है कि आदमी किस कदर जो है वो इस तरह से मतलब मानसिक दबाव में आ गया है जब चुनाव नजदीक आए। सहज रूप से लेना चाहिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। जो वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, यही कहते थे पंजाब में, यही कहते थे उत्तराखंड में, यही कहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आए तो नहीं है, वो तो गए ही गए, तो यहां पर भी वो जाएंगे ही जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन उनने अपनी बात कही, उनकी बात हमने सुनी है। मैं विनम्र आग्रह करता हूं सभी से कि वो हड़ताल किसी के बहकावे में ना करें, हड़ताल बंद करें और उनके जितने भी मसले हैं उन मसलों को लेकर के, पिछले कल शाम मुझे एक प्रतिनिधिमंडल उनका मिला था, विस्तार से चर्चा हुई है, मैंने अधिकारियों को कहा जो उसमें किया जा सकता है उसके रास्ते निकाल प्रयत्न करेंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भी उसमें सारी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा किसी के कहने पर न जाकर के वो हड़ताल को वापस ले, ताकि हमारा संवाद का जो क्रम चला है उसको हम जारी रखें। सर, कोरोना का मामला, कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर 1000 छूने वाला है, तो इस पर कोई फिर से बंदिश लगाने पर विचार की? देखो, कोविड के मामले में इंक्रीज आई है पिछले दिनों, सावधान होने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से, और खासतौर से कुछ एक क्लस्टर ऐसे निकल रहे हैं जहां हमने फोकस किया है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया है, सैम्पलिंग भी टेस्ट की जो है वो सैंपल जो है उसका नंबर भी बढ़ाइए और उसके साथ साथ में उसको प्लान करिए प्रॉपर्टी आइसोलेट करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू।